हाय गाइस, मैं हूँ रागनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो आपके फेवरेट, इवन मेरे भी फेवरेट बाबा जनरल सिंह के ऊपर है, उनकी लास्ट स्पीच। एंड उनकी लास्ट स्पीच में मैं रिएक्ट कर रही हूँ, सो आई होप आप सबको पसंद आएगा। आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था इसके लिए। एंड वन मोर थिंग, मुझे पंजाबी उतनी नहीं आती, आती है बट टिपिकल पंजाबी उतनी नहीं आती मुझे। एंड अगर कुछ मिस्टेक हो जाए या फिर कुछ मैंने बोलना भूल जाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड देखते हैं सॉन्ग में, स्पीच में क्या है इनके और उन्होंने क्या लास्ट टाइम कहा था सभी सिख भाइयों से, अपने दोस्तों से। एंड जस्ट एक्शन। कोई सेंटर का वजीर दलील दे के, पंजाब का वजीर कोई दलील दे के झूठी सिद्ध कर दे, मैं तस्ते खड़ो के पन करना, अपना सर वाल के भले करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की आजादी तो पिछों किसी हिंदू ने हिंदी बोलने वास्ते, हिंदी सोता लेने वास्ते, हिंदू धर्म समुद्र पर गति का नाम रखाने वास्ते, हिंदू धार्मिक शहर में पवित्र दर्जा दिलाने वास्ते, हिंदू धार्मिक चिन्ह जिले में अपने खातरे रखने वास्ते इन्हें समिति जो एक भी सत्र के घंटे भी कार्य कटी है। किसी हिंदू ने सबू दर्शन बचाने सारे पड़ी लगी है। जो तुम्हें पंजाबी बोली बोलनी है, पंजाबी सूबा लेने 58,000 तुम जाओ, इंद्रजीत सिंह वर्गे पचंगे वाल के खूज तुम सकवाओ, अपना खून तुम बोलो तो हरियाणा से हिमाचल इन्हों मिल जाए। खालसा की गुलामी चुकनी है। मैं ये भी बेनती करा, जो संतरी पल पत्र सुनाओगे उदो पिछले पारा पो नहीं खड़े करो, जो घर साढ़े बुला के आए हैं तो मन के निशा लेके आए हैं, तो असं अपनी भैन की इज्जत बचाई है, असं शांति हामी रहना है, असं अपने इज्जत सत्कार को बरकरार रखना है, तो जिन्हें जानवर ने सारिया भैन से धियां की इज्जत लुटी है, तो साढ़े इस अग लाई है, साढ़े धार्मिक स्थानों का अपमान किया है, तो कुट के फड़ के सड़कों से बैठ के पानी पड़ने वाले भी गोलियां भी आई हैं, उन्होंने तो हक लेना है। तो संतों ने कहने के कहने से बाहर करिए, चले दूजे अच्छे जे बाहर करके खड़िया करके अपना मुकरे तो स्कूल से देनदार आवेंगे, चेता रख लें। संतों तो पहला दास ने तोड़िया बाहर करिए कराने, तुम अतवादी बनाने तो अतवादी पालन वास्ते बाहर खड़ी करेगी, अतवादी वाला काम करना है। दास को अतवादी का खिताब गवर्नमेंट ने दिता है, जेड़ा अमृत सरकार है आप का छके है, जेड़ा बाणी आप पढ़ता तो दूजे को पढ़ावे, आप कथा करे तो दूजे को कथा करा रहे, कथा से कीर्तन से छलता हो रहे, सतगुरु ग्रंथ साहब में अपने बापू के प्यो इष्ट मानता हो रहे, धियां भैन भी एक प्रसन्ना साझी वाल राम की प्रेरणा दे रहे, एक दिन चार साल थले कट्ठे करे, पंच भी डट के हमैत करे, तो सतगुरु ग्रंथ साहब लड़ ला रहे, योजा काम करने वाला नाम है अतवादी गवर्नमेंट ने काम किया है। मैं योजा अतवादी जो तुम दसिया है, तो चरण मैं बेनती करता हाँ, जे भैन की इज्जत बचाने हक च, इज्जत सत्कार रखने हक च, पंच की हमायत करने हक च, सुने खून का हक लेने हक च, सहमत हो योजे अतवादी हो, जो मैं शिकारा छेगा उदों बाहर करिए करियो, कि जेड़ा चरखे से बकरी का सिख है, जेड़ा रहरा सुनिया से नजधारियों का सिख है, जेड़ा देहधारी से पखंडिया का सिख है, जेड़ा कदम से मरी का सिख है, डालू संघूर पुकना चिपड़ पानी पाने का सिख है, वो बाहर खड़ी ना करियो, जेड़ा सतगुरु का सिख है, भैन के पिछाओं के हाथ में पंच का हामी है, वो अतवादी बहाना याद रख रहे थे। मैं योजा हाथ योजा रहना है, जिंदगी में हाथ भी रहना है, तो कुछ भी सोच रहे हो बहना कि मैं तो हाँ बोले जिसे पता लगे कि नानक वास करके कारद्वारी के अंदर पुलिस ने हमला किया है, उसे दास का लौंगोवाल का कोई बच्चे की उड़ीक ना करे हो, कि कोई सुनिया आएगा अपनी ज्योति संभाल के नियंत्रण चाहते हैं पिंडा पिंडा चो वाहू जी का खालसा।
सो गाइस ये थी बाबा जनेर सिंह की लास्ट स्पीच, मैंने सुनी, मुझे कुछ चीज़ समझ आई, पूरी समझ नहीं आई बिकॉज टिपिकल पंजाबी थी और मुझे पंजाबी थोड़ी कम आती है, सो जहाँ जहाँ हुआ वहाँ समझी मैं। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म के लिए मैं ऐसा नहीं कहता कि हाँ उनको हिंदू, जब जो भी हिंदू है उनको हिंदी बोलने की पूरी परमिशन है, पूरी आज़ादी है वो हिंदी बोलें, या फिर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हाँ हम तुम हमारे धर्म को करो, और ऐसा नहीं था, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी भी धर्म के या किसी भी लोगों को कभी हार्म नहीं पहुँचाया, इवन वो हिंदुओं को भी इतना करते थे, इक्वल देते थे समान जितना पंजाबी करते थे, उनके लिए सभी धर्म के लोग एक बराबर थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख चाहे ईसाई, उन्होंने सबको इक्वल किया था। इवन बहुत चीज़ें उनके मैंने पढ़ी थी, इवन वो जैसे कोई भी लड़की हो गई, मैंने एक सॉन्ग भी देखा था बाबा फैन चंडेल सिंह था, वो सॉन्ग मैंने देखा था पर वीडियो ब्लॉक हो गया था, वो सॉन्ग काफ़ी अच्छा था। इनमें उनसे दिखाया गया था कि जब तक वो थे तो कोई भी लड़की का रेप नहीं होता था, क्योंकि उनकी सब किसी ने रेप किया उसको डायरेक्टली सजा मिलती थी वहाँ पे विद इन 24 आवर्स, किसी ने किडनैप किया लड़की को, हिंदू लड़कियाँ क्यों ना हो, किसी ने किडनैप किया उसको या कोई उसका डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फिजिकल वायलेंस, एनी काइंड ऑफ वायलेंस, एनी काइंड ऑफ किडनैपिंग, कुछ भी केस हो रहा है, कोई भी आया कि हाँ बाबा जी ऐसा हुआ है, किसी ने किडनैप किया है मेरी बेटी या बहू को या किसी ने कुछ भी किया, तो बाबा जी तुरंत 24 आवर्स उसको हैंड टू हैंड उसका सारा मैटर क्लोज करते थे। तो ऐसे थे बाबा जनेर सिंह, काफ़ी अच्छे इंसान थे, एंड मे बी सम डर्टी पॉलिटिक्स जो भी है यहाँ पे उस टाइम पे थी कांग्रेस की, उन्होंने सब कुछ किया था। एंड आई होप आप सबको पसंद आएगा वीडियो, आप लोग लाइक करो, उसको शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, एंड जो भी कुछ मैं भूल गई हूँ या फिर जो कोई समझ नहीं आया आप जरूर बता सकते हो मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।